पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत के सजा के बाद सेना और अदालत आमने सामने है। सेना ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अगर यह विवाद गहराया तो पाकिस्तान में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। सेना के भारी विरोध के बीच पाकिस्तान इमरान सरकार बैकफुट पर आ गई है। इमरान सरकार की सूचना मंत्री डॉक्टर फिरदौस अवाम ने मीडिया के समक्ष कहा कि सरकार मुशर्रफ की मौत की सजा की खुद विस्तार से समीक्षा करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री इमरान ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुशर्रफ का मुद्दा उठ सकता है। उधर इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि सेना के इस कदम से टकराव बढ़ेगा। व्यवस्था के दो अंगों में श्रेष्ठता की प्रवृत्ति खतरनाक है, इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा। दरअसल यह विवाद सेना के एक पत्र से उत्पन्न हुआ जो इस समय वायरल हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा के बाद पाकिस्तान सेना में इस फैसले के खिलाफ नाराजगी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यह बहस तेज हो गई है। उधर सेना ने मुशर्रफ की वीरता की तारीफ की है। पाकिस्तान के DGISPR ने इसको लेकर एक ट्वीट किया और एक पत्र जारी किया है। इस पत्र को सेना ने शेयर किया है। मुशर्रफ की सजा के साथ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिद सईद खोसा भी सुर्खियों में हैं। खोसा के हाल में लिए गए उनके फैसलों को सेना के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के 72 साल के इतिहास में पहली बार एक पूर्व तानाशाह को देशद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। खोसा ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल पर सवाल खड़े करते हुए इसे 3 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेवा विस्तार का नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जारी करता है तो सरकार ने भाजपा का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले कैसे कर दिए। इस फैसले से पाकिस्तानी सेना खासी नाराज थी। रिटायर्ड जनरल अमजद सोएब ने इसे पूरी फौज की बेइज्जती करार दिया था। सेना प्रमुख के कार्यकाल विवाद पर इमरान सरकार ने अपनी कानून मंत्री को हटा दिया था। खोसा सरकार को आड़े हाथों लेने के लिए भी जाने जाते हैं। चीफ जस्टिस ने पिछले महीने नवाज शरीफ से जुड़े मामले में प्रधानमंत्री खान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि नवाज सरकार की मर्जी से विदेश गए हैं, न कि न्यायालय की। उन्होंने सरकार को एक तरह से हद में रहने की नसीहत दी। खोसा ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना कहा, आप न्यायपालिका पर तंज न कसें, यह 2009 के पहले वाली जुडिशियरी नहीं है। अब वक्त बदल चुका है, अदालतों के सामने कोई शक्तिशाली नहीं होता।